हाय फ्रेंड्स, यू हैव बीन लिसनिंग। आप काफ़ी दिनों से मुझको सुन रहे हो और मैं ग्राफोलॉजी के बारे में बातचीत करे जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ यूनिक टिप्स देना चाहता हूँ रिगार्डिंग ग्राफोलॉजी। तो देखिए, महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि हम लोग नाम लिखते हैं उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। खुद का नाम, देन आपके फादर का नाम, आपका सरनेम। सरनेम के भी दो पार्ट होंगे, सरनेम का इनिशियल और बचा हुआ पार्ट। तो इन चारों हिस्सों के बारे में ग्राफोलॉजी में डिस्कशन होता है। जैसे पहला हिस्सा हो सकता है अपना, आप फुल नेम लिखोगे या आप अपना इनिशियल लिखोगे। तो ये आपके खुद के बारे में बताता है कि आप किस तरह से व्यवहार करते हो। मतलब एज अ बॉय हाउ डू यू बिहेव और एज अ गर्ल हाउ डू यू बिहेव। मतलब ना कि एक मैच्योर व्यक्ति, बट ऐसा व्यक्ति जो अपने फ्रेंड्स के साथ रहेगा तो कैसे बिहेव करेगा, वो आपके नाम का इनिशियल या आपके नाम लिखने का तरीका, ये दो चीज़ से पता चलता है। उसके बाद आपके फादर का नाम आता है, जहाँ पे अगर आपने अपने फादर का इनिशियल डाला हुआ है या अपने फादर का नाम पूरा लिखा हुआ है, तो ये भी ये दर्शाता है कि किस तरह से आप एज अ फादर या आप के फादर, मतलब आपने अपने फादर को किस तरह से देखा, किस तरह से महसूस किया, किस तरह से जाना, वो चीज़ पता चलेगी आपके फादर के इनिशियल से या आपके फादर के नाम से। और उसके बाद आता है आपका सरनेम। सरनेम के दो पार्ट, एक है उसका इनिशियल, जैसे मेरे केस में कोवे मेरा सरनेम है तो के मेरा इनिशियल हो जाएगा। तो के, मैं जिस तरह से के लिखता हूँ, ये वो चीज़ दर्शाएगा कि किस तरह से मैं इमोशनल व्यवहार करता हूँ या इमोशनली मैं बात करता हूँ। और ये भी दर्शाएगा कि किस तरह से मेरी मम्मी को मैंने अपने किस परसेप्शन से मैंने देखा हुआ है। और बचा हुआ जो पार्ट है सिग्नेचर का, जो सिग्नेचर के सरनेम के बाद में आएगा, इनिशियल के बाद में आएगा, ये बताता है कि किस तरह से मैं अपने समय को व्यतीत करता हूँ, कैसे मैं मेरे समय को ऑक्यूपाई करता हूँ। तो कई लोग आप देखोगे तो वो अपने सिग्नेचर में ना अपना फादर का नाम लिखते हैं ना अपने मदर का नाम लिखते हैं, यू नो, दे जस्ट राइट देयर ओन नेम, खुद का नाम लिखते हैं। तो ये व्यक्ति, आप में से कितने लोग हैं जो खुद का नाम लिखते हैं सिग्नेचर में पूरा? जैसे मेरा नाम सुधीर है तो आई विल राइट ओनली सुधीर। जैसे शाहरुख खान का आप देखो तो शाहरुख खान अपने सिग्नेचर में सिर्फ शाहरुख खान लिखते हैं। तो जितने भी लोग ये खुद का नाम सिग्नेचर में लिखते हैं, ये सभी लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वेरी वेरी इमोशनल ह्यूमन बींग्स, बहुत स्टाइलिश होते हैं। उनका खुद का काम करने का एक स्टाइल होता है, उनका हेयर स्टाइल अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, उनके कपड़े बड़े ठाट बाट वाले होते हैं। मतलब जिस किसी पहराव में, जिस किसी तरह से वो आपके सामने आएंगे, उस समय पे वो देखने के लिए बहुत ही आकर्षक महसूस होंगे। ये लोग बहुत अच्छे लेवल के दोस्त होते हैं। जो भी आदमी खुद का नाम लिखेगा सिग्नेचर में, ये व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल पे जाके फ्रेंडशिप निभाता है, बहुत अच्छे से फ्रेंड्स बनाता है। इसके काफ़ी फ्रेंड्स बहुत अच्छे दीवाने, बहुत जल्दी दीवाने हो जाते हो। और हमने देखा है कई बार जो लोग खुद का नाम सिग्नेचर में लिखते हैं, इन लोगों का प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना स्टाइलिश व्यक्ति किसी को भी आसानी से पसंद आ जाता है। ये व्यक्ति जब जॉब करता है तो जॉब करते समय इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से लोगों को हैंडल करना आता है। दिस पर्सन इज वेरी वेरी गुड एट हैंडलिंग पीपल। इसके अंडर आप जो भी टीम दो, उस टीम का परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो खुद का नाम सिग्नेचर में लिखेंगे, ये स्टाइलिश होंगे, ये थोड़ा सा नॉन सैक्रिफाइसिंग होंगे, थोड़ा सा इमोशनल होंगे, फेमिनिन इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेंगे, हेयर स्टाइल वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। और इनके नीचे टीम जो है, मतलब ये टीम लीडर अच्छा काम करते हैं, उनके नीचे टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो ये थी एक सिग्नेचर के बारे में विशेषता। इसके आगे हम लोग इसी तरह से आपको अलग अलग सिग्नेचर के कुछ महत्व और कुछ विशेषताएं बताते रहेंगे। और दिस सीरीज विल कंटिन्यू फॉर अराउंड फ्यू वीक्स। एवरी वीक आई विल इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नेचर टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, मेक श्योर दैट यू शेयर एंड लाइक एंड कमेंट टू दिस वीडियो। सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।